नमस्कार, मेलबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा भोगांव के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिनमें जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शिकायती पत्र भेजकर जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की रिपोर्ट। आजकल स्कूलों में शिक्षा कम बल्कि गुटबाजी व मारपीट की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिल रही हैं। स्कूल प्रशासन भी इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसा ही मामला जवाहर नवोदय विद्यालय में सामने आया, जहां कक्षा 11 के एक छात्र ने अपने ही कक्षा के दूसरे छात्र को मारपीट कर बेहोश कर दिया। स्कूल प्रशासन ने घायल छात्र का उपचार स्थानीय चिकित्सालय में कराया। उसके बाद स्कूल में हुई मारपीट की घटना को छिपाते हुए घायल छात्र के परिजनों ने बताया कि वह बेंच से टकराकर गिर जाने से घायल हो गया है। लेकिन जबकि घायल छात्र ने अपने परिजनों को पूरा मामला बताया, तब जाकर गुस्साए परिजनों ने नवोदय विद्यालय प्राचार्य से शिकायत की। इस पर प्राचार्य ने बताया कि आरोपी छात्र को 10 दिन के लिए विद्यालय से निकाल दिया गया है। आखिर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और कब तक स्कूल प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ बोलते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम आपका? मोहम्मद अनीस नाम। अच्छा, क्या घटना हुई थी यहाँ? घटना क्या हुई, मेरे पास एक फ़ोन आया शाम को 6:15 के बीच में, तो ये कहा गया कि वो आपका भतीजा है, वो आपके बहुत चोट आई है उसको, गिर गया है, मतलब टेबल से टकरा के, तो आप अमित भारती जी डॉक्टर साहब हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके पास आ जाएँ तुरंत उनके कमरे पर। तो मैं वहाँ पहुँचा तो ये बेहोश था, अचेत अवस्था में था। अच्छा, तो आपने विद्यालय से पता किया? हाँ, पता किया तो ये बताया गया कि टेबल से टकरा के ये गिर गया। किसने बताया आपको? ये वाइस प्रिंसिपल महोदय थे और भी उन स्टाफ में थे, कैंटीन सर थे, तो ये लोगों ने कहा कि गिर गया है, बताओ चोट इतनी आ गई है तो ठीक हो जाएगा, परेशान ना होइए। लेकिन ये इसको 24 घंटे के बाद जब होश आया तब ये अपनी घटना का पता लगा बच्चे से। मतलब यहाँ कोई वो नहीं है? कुछ नहीं, सब डिसिप्लिन है, लड़के लड़कियों से मिल रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, ये फल वितरण में जो कार्यक्रम होता है ये कई आए दिन ही घटनाएं हो रही हैं। आपके साथ भी झूठ बोला गया कि उसके साथ मारपीट नहीं हुई है, गिर के चोटिल हुआ है? जी जी जी। जबकि उसके साथ मारपीट हुई? जी मारपीट हुई है, तभी तो ये बेहोश हुआ है। तो कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद अफजल। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 11th। अच्छा, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? कुछ नहीं सर, उस दिन फल वितरण हो रहा था तो सर मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, तो सर ये आया, ये कहने लगा हमसे चलो अंदर चलते। कौन आया? जतवी राज सर, जतवी 11th साइंस की है सर, कहने लगा हमसे चलो अंदर चलते हैं मैं इसके अंदर, तो सर मैं मना किया तो फिर लड़ाई हुई थी। फिर क्लास में हम लोग आए थे पढ़ने के लिए, तब ये भी आ गया पीछे से फिर सर, तभी फिर लड़ाई हुई। उसने तुम्हारे साथ मारपीट की? यस सर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं गिर पड़ा वहीं क्लास में बेहोश होकर सर। तो किसी क्लास ने, टीचर ने या प्रिंसिपल ने नहीं पूछा? टीचर नहीं था सर कोई क्लास में। तो आपने लेके गए थे वहाँ पर प्रिंसिपल मैम के पास? फिर क्या हुआ उसके बाद? मैडम ने कुछ नहीं, वहाँ पर अमित सर, अमित भारती के यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। जो तुम्हारा जो है ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उस किसी से कुछ कहा नहीं? नहीं सर।